प्रश्न 60 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7y प्लस 12 बराबर 0 द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया एक अंतःखंड किसके बराबर है? विकल्प है 1, 3, 4 या 7। अब हम जानते हैं कि यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, वृत्त का हमने व्यापक समीकरण ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तो वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है 2√f²-c और एक्स अक्ष पर काटे हुए अंतःखंड की लंबाई क्या होती है 2√g²-c के बराबर। तो यहां हमें वाई अक्ष पर ही काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालनी है, तो हमें यहां 2√f²-c का मान निकालना है। तो हम इसकी समीकरण की तुलना पहले हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करें, तो यहां 2g बराबर क्या हो गया, एक्स का गुणांक है 4, तो ये 4 के बराबर हो गया। 2f बराबर क्या हो गया, ये हो गया -7 और c का मान कितना हो गया, c बराबर हो गया 12। ये हमारा, इससे हम g, f और c के मान निकाल सकते हैं, तो g बराबर तो हो गया 2, f बराबर हो गया -7/2 और c का मान 12 है, c बराबर 12 है, तो इस सूत्र में मान रख दिया 2√f² अर्थात 49/4 माइनस सी 12, ये हमारी लंबाई होगी। कैलकुलेट करते हैं 2√49 12 4 48/4 अर्थात 2√1/4, ये मान हो गया 1/2 के बराबर, तो 2√1/2 अर्थात 1 इकाई। तो जो अंतःखंड कटा है इस सर्कल द्वारा वाई अक्ष पर, उसकी लंबाई है 1। विकल्प ए यहां सही विकल्प है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यदि यह हमारा समीकरण है तो यदि कोई वृत्त एक्स वाई अक्ष को काटता है, तो मान लिया वो इस प्रकार से, तो ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, जो हमें अंतःखंड निकालना है वो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। अब क्योंकि ये वाई अक्ष है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, तो हमें इस समीकरण में एक्स का मान 0 के बराबर करना है। 0 कर दिया तो समीकरण क्या बन गया, वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, तो -7y + 12 = 0, ये हमारा समीकरण बन गया। मैंने एक्स का मान यहां पर 0 रख दिया क्योंकि वाई अक्ष ले रहे हैं। सरल करते हैं, गुणनखंड किया इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 × 3 = 12 होते हैं, तो 3y - 4y + 12 = 0। y कॉमन ले लिया, y - 3 - 4 कॉमन लिया, y - 3 = 0 अर्थात y - 3 y - 4 = 0। तो y के दो मान आ गए 3, 4, अर्थात जो ये दो बिंदु हमने प्राप्त किए हैं ये कौन कौन से होंगे, ये तो एक तो हो गया 0, 3 और एक हो गया 0, 4, अर्थात दोनों के बीच में दूरी क्या हो गई, 4 - 3 जो कि 1 के बराबर है। तो वो हमने पहले भी सूत्र से भी प्राप्त कर लिया है, इसलिए जो काटे गए अंतःखंड की, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है इस वृत्त द्वारा, वो 1 इकाई के बराबर है। विकल्प ए यहां सही विकल्प है। प्रश्न 61, ए बिंदु है, निर्देशांक है 2 - 3, 3, बी के निर्देशांक है 5 - 3 - 4 और सी के निर्देशांक है 2 - 3 - 2। शीर्षों वाले एक त्रिभुज का केंद्रक कौन सा बिंदु है? अब हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 ये हो, तो केंद्रक अर्थात सेंट्रोइड के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3, ये केंद्रक के निर्देशांक होते हैं। तो यहां त्रिभुज के जो शीर्ष हमें ज्ञात हैं
अर्थात ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ज्ञात हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 5 प्लस 2 बटे 3 कॉमा किया। y1 को देखें -3, y2 है -3, y3 है -3 बटे 3। अगला देखें बिंदु z में, तो 3 माइनस 4 माइनस 2 बटा 3, ये हमारे, ये यहां पर भी 3 है, ये हमारे केंद्रक के निर्देशांक होंगे। ये कितना हो गया 7, 7 और 2 9 बटा 3 अर्थात 3, माइनस 9 बटा 3 तो माइनस 3, ये हो गया 3 माइनस 6 अर्थात माइनस 3 बटा 3 तो माइनस 1, ये हमारे केंद्रक के निर्देशांक होंगे। अर्थात यहां विकल्प बी सही विकल्प है। प्रश्न 62, गोले x2 प्लस y2 प्लस z2 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 10z प्लस 1 बराबर 0 की त्रिज्या क्या है? विकल्प हैं 5, 2, 7 या 3। हम जानते हैं कि गोले का व्यापक समीकरण क्या है, x2 प्लस y2 प्लस z2 प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, और इस गोले का केंद्र होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, त्रिज्या होती है अंडर रूट u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, ये त्रिज्या होती है। अब हम अपने व्यापक समीकरण की पहले तुलना करते हैं दिए गए समीकरण से और u v w d के मान निकालते हैं, तो 2u यहां है माइनस 6 के बराबर, 2v बराबर है अर्थात जो y का कोफिशियंट है वो है 8 के बराबर, 2w बराबर है माइनस 10 और d बराबर है 1, तो इससे हमें मिलेगा u बराबर माइनस 3, यहां से हमें v का मान मिल गया 4, यहां w का मान हो गया माइनस 5 और d हमारा 1 है, तो इसलिए त्रिज्या बराबर हो गई अंडर रूट u² अर्थात 9 प्लस v² अर्थात 16 प्लस w² अर्थात 25 माइनस डी अर्थात 1, ये हो गया 9 और 16 25 और 25 50, 50 में से 1 घटाया आ गया 49, अंडर रूट 49 हम जानते हैं 7 के बराबर होता है, अर्थात गोले की त्रिज्या 7 इकाई है, विकल्प सी यहां सही विकल्प है। प्रश्न 63, समतलों 2x प्लस y प्लस 2z बराबर 9 और 4x माइनस 5y माइनस 4z बराबर 1, दो समतलों के समीकरण हैं, के प्रतिच्छेदन और बिंदु 3, 2, 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या है? दो समतलों के समीकरण दे रखे हैं। अब हम जानते हैं कि यदि एक समतल का समीकरण है P1 बराबर 0 और दूसरे समतल का समीकरण है P2 बराबर 0, तो जो समतल इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है उस समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 बराबर 0 होता है, और यहां लैम्डा की वैल्यू हम जो प्रश्न में अतिरिक्त जानकारी दे रखी होती है उससे ज्ञात करते हैं। तो एक समीकरण तो यह है और एक समीकरण यह है, हम इन दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिख के P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 बराबर 0 इस कंडीशन को लगाते हैं, तो इसके लिए हमें 9 को यहां लाना पड़ेगा ताकि यहां 0 आ जाए राइट हैंड साइड में, और इसी तरह से 1 को दूसरे पक्ष में लाना पड़ेगा ताकि राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 9 बराबर 0 हो गया, अर्थात P1 हमने लिख लिया, लैम्डा टाइम्स 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1, ये हमारा P2 हो गया और ये मान 0 के बराबर है।
प्रश्न की अतिरिक्त जानकारी देखते हैं कि समतल इस बिंदु से भी गुजरता है, अर्थात इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। हमें x का मान 3 लेना है, y का मान 2 और z का मान 8 लेके लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो मान रख दिया हमने 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 9 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4 माइनस 1 बराबर 0। यह हमें प्राप्त हुआ, यह हो गया 6 और 2 8 और 2 10, 10 में से 9 घटाया 1 प्लस लैम्डा टाइम्स यह है 12 और माइनस के कितने हो गए 15, तो यह हो गया माइनस का 3 बराबर 0, जो हमें क्या देता है, दिस इंप्लाइज 1 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0, अर्थात लैम्डा बराबर हो गया 1/3। अब मैं लैम्डा बराबर 1/3 इसमें रख दूंगा तो मुझे अभिष्ट समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो हमारा अभिष्ट समीकरण हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 प्लस 1/3 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 बराबर 0। 3 से इस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 9 × 27 प्लस 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 बराबर 0। अर्थात समीकरण क्या बन गया, ये हो गया 10x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 28 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब हम 28 को दूसरे पक्ष में भी ले जाते हैं तो ये बराबर 28 हो जाएगा। अर्थात हमने कौन सा पाया, देखो पहला विकल्प क्या है, 10x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 28। यह हमारा पहला विकल्प ही सही है, तो इसलिए यहां विकल्प ए सही विकल्प है। अभिष्ट समतल का समीकरण 10x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 28 है।